सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। इनके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं। मैं हैरान हूं ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। ये जानबूझ करके बहस को दूसरी दिशा में लेना चाहते हैं। अखिलेश जी ने आतंकवादियों को बचाने का भरपूर प्रयास किया। उनकी संवेदना पेशेवर अपराधी माफिया और आतंकवादियों के प्रति है। अपराधी और दंगाई के बाद अब यूपी चुनाव में आतंकवादी कनेक्शन की एंट्री हो गई है। एंट्री भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल के जरिए। साइकिल और आतंकवाद का बीजेपी ने क्या कनेक्शन निकाला है, जरा देखिए और सुनिए हरदोई की रैली में पीएम मोदी ने क्या कहा। यहाँ समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। आप देखिए साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। एन तीसरे चरण के मतदान के दौरान और चौथे दौर की वोटिंग से पहले इस बयान से सियासत गर्म हो गई। भतीजे की साइकिल को पीएम ने पंक्चर करने की कोशिश की तो चाचा शिवपाल बचाव में आ गए। बम धमाकों में साइकिल का इस्तेमाल होता था, प्रधानमंत्री ने रैली में कहा है। श्वेता पूछ रही है आपसे, क्या कभी कभी ऐसा नहीं? देखिए मैंने कहा कि ये पद की गरमा गिरा रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले तो वो तो जुमलेबाज साबित ही हो गए। कितना जुमलेबाजी ये प्रधानमंत्री, इसलिए तो सफाया इनका होना है, इनका सफाया होना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। क्या आपको लगता है साइकिल का सिंबल बदलना चाहिए इस तरह से जिस तरह से लगातार आरोप लगते हैं? जनता इनको ही बदल देगी जी, जनता फिर भारतीय जनता पार्टी को ही बदल देगी। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ का जबरदस्त रोड शो निकला, सड़कों पर जन सैलाब नजर आया। बुलंद हौसलों के बीच योगी सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह भी साइकिल और आतंकवाद का कनेक्शन जोड़ते नजर आए। हम राम को लाएंगे के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा यहाँ शुरू होने वाली है। सरोजी नगर एरिया है, तस्वीरों से समझिए आप जो भीड़ यहाँ उमड़ी है मात्र सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। वो भीड़ शायद उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बयां कर रही है। भाजपा के झंडे आपको चारों ओर नजर आएंगे और राम के गीत यहां पर लड़ रहे हैं, ढोल मंजीरे बजाए जा रहे हैं, स्पीकर्स लगे हैं। ये वही एरिया है जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ निकलेंगे। मंत्री बीजेपी सरकार में मौजूद है महेंद्र नाथ जी, बहुत स्वागत आपका। क्या लग रहा है माहौल, क्या बता रहा है? देखिए अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ रहा है, जनसैलाब उमड़ा हुआ है, सुनामी है भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। हर कोई चाहता है कमल का फूल खिले और मोदी जी और योगी जी के डबल इंजन की सरकार फिर से बने, मेरा उत्तर प्रदेश नंबर एक के स्थान पर आए, $1 trillion की इकोनॉमी हो। और यह दृश्य दिखा रहा है कि चौथे चरण में भी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। अहमदाबाद की बड़ी चर्चा हो रही है, अहमदाबाद दास में सभा का कनेक्शन बता रहे हैं। और निश्चित रूप से दिखाई पड़ रहा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो सबको दिख रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि दंगाइयों को, गुंडा अपराधियों और माफियाओं को भगाना है, उत्तर प्रदेश को नंबर एक का राज्य बनाना है। और उसी के कारण से आप देखिए जनसैलाब, जहां तक आप देख सकते हैं वहां तक आदमी ही आदमी दिखाई पड़ रहा। कुछ ही देर बाद इस इलाके में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला भी पहुंचा। रथ पर सवार सीएम योगी तीसरे दौर के मतदान के बाद 80% सीटों पर जीत के साथ फिर से सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी ने भी साइकिल के टेरर कनेक्शन का आरोप दोहराया। उत्तर प्रदेश का चुनाव, सीएम योगी आदित्यनाथ की रथ यात्रा और बातचीत। योगी जी,
बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सर, तीसरे चरण की आज वोटिंग हो गई है, कहां देख रहे हैं बीजेपी को? 80% सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। तीन चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं, जो रुझान आए हैं, जनता का जो प्रचंड समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है, ये उसका प्रमाण है। आज इस रोड शो में आप देख रहे होंगे, सबका साथ सबके विकास के साथ, ये जन विश्वास का प्रतीक है। सैफई में परिवार एक बार नजर आया, मुलायम, शिवपाल और अखिलेश एक साथ नजर आए, उसको सर क्या कहेंगे? देखिए, आखिर करहल में सबको जाना पड़ा और मुलायम सिंह जी ने जनता के रुख को देखते हुए बोली दिया, बहुत स्पष्ट कह दिया कि भाई आप जिसको जिताना चाहते हैं जिता लो। मुलायम सिंह जी को यह भी नहीं मालूम कि वहां से सपा का प्रत्याशी कौन है। अब ये दुर्गति सपा की हो जाए तो मुझे लगता है अपने आप में हास्यास्पद। अहमदाबाद ब्लास्ट को लेकर सपा कनेक्शन, आखिरी सवाल, अहमदाबाद ब्लास्ट को लेकर सपा कनेक्शन आप लोग बता रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का शर्मनाक इतिहास रहा है कि समाजवादी पार्टी 2013 में जब प्रदेश में सत्ता में थी, तब उन्होंने तमाम आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का प्रयास किया था। अभी तीन दिन पहले अहमदाबाद की जिस न्यायालय ने ये फैसला दिया है, उसमें 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा, 11 को आजीवन कारावास की सजा हुई है। उनमें से कुछ आतंकवादियों के संबंध उत्तर प्रदेश से हैं। उसमें से आजमगढ़ के जुड़े हुए एक आतंकी के पिता समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी को देश और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और अपने शर्मनाक कृत्य के लिए माफी भी मांगनी चाहिए और अपनी स्थिति स्पष्ट भी करनी चाहिए।